हाँ तो हाँ, अपने इस वाले लेक्चर में और अगले वाले मैथ्स के लेक्चर में तो सफिशियंट टाइम है ना, 1 घंटे का टाइम भी तो है ना। हाँ सर, अरे नेक्स्ट लेक्चर हमारा 7:30 से है ना भाई। यस सर, लेक्चर सुने कि नहीं सुन पाए? मन नहीं किया, बोर हो गए थे, आग दुख रहा था, क्या हुआ? थोड़ा बहुत सुने? अच्छा हाँ सर, 1.5 घंटे का सुन दिया, 1 घंटा और बाकी है। शुरू में तो वह डेरिवेटिव वाला ही था ना। 1.5 घंटे कहाँ से, मतलब पेज तो 15 ही पेज है, तो क्या बोलते यार हम, क्या बस में 2.5 घंटे का लेक्चर है ना। हाँ लेक्चर 2.5 घंटे का हुआ कैसे है? मैं लेक्चर के नोट देख रहा था, 15 ही पेज के नोट से लेक्चर है तो। एनीवेज ठीक है, तुमने सुना, बाकी और कोई सुना भी नहीं सुना? क्या सर? सुबह सर अरे बेटा, जो दूसरा वाला लेक्चर था मैंने ग्रुप पे लिखा था ना सुनने को, हाँ हाँ वो सुन लिया। हाँ सर, अभी अभी कैसे सुन लिया? अभी तो तू भाई बच्चा होगा ना। कौन सा कह रहा है? मैं सेकंड वाला लेक्चर कह रहा हूँ, 2 लेक्चर है ना। हाँ सर, पूरा नहीं हो पाया, मतलब आधे से ज्यादा हो गया। भाई एक बार सुन लो सब लोग। ओके सर, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हो क्या? नहीं सर, थोड़ा मतलब सुन रहा है। हाँ सर, वो नेगेटिव आपने वो बताया था ना, dy/dx का, वो नेगेटिव हो सकता है तो हाँ, वो क्या है समझ नहीं। नेगेटिव मतलब, अरे dy/dx नेगेटिव मतलब उस पॉइंट पे जो लाइन टेंजेंट बना है उस टेंजेंट का स्लोप कैसा हो गया नेगेटिव? टेंजेंट का तो स्लोप नेगेटिव हो ही सकता है ना। हाँ सर, हो सकता है। यस ठीक है जी, हेलो। हाँ सर, मैं कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ, क्या कर, ये क्लास किस चीज की है? मैथ्स की है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ यार। वो ट्रिगो का डिस्कस। चलो भाई, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां लेक्चर सबको मालूम है ना, मैं सुनने को क्या कह रहा हूँ। हाँ सर, वो बीच में ब्रेक में लगा उसमें सुन लेंगे बच्चा। देखो सुन लो, को हड़बड़ी नहीं है, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब आज ही सुनो, सुन लो उसको ठीक है। मेरे अभी फिजिक्स के इस वीक में फिजिक्स के मेरे शुरू के 3 लेक्चर्स मेरे हैं, तो मेरे बताओ ना लेक्चर्स कितने हो चुके हैं फिजिक्स के अभी तक? सर हो गए, मतलब मतलब कितने लेक्चर्स हो गए हैं, आइडिया नहीं है? मतलब जब से चालू किया तब से। थर्सडे और फ्राइडे फिजिक्स का लेक्चर है। रुक जाओ, टाइम तो लाने दो, टाइम तो लिए रहा ना, मंडे हुआ, ट्यूसडे हुआ, आज थर्ड लेक्चर है। आज तो फिजिक्स का पहला लेक्चर है ना। हाँ कल एक फिजिक्स हुआ था,
कल ट्यूजडे था तो कल एक फिजिक्स हुआ और एक अभी फिजिक्स दूसरा, तो कल का भी लेक्चर मेरा ही रहेगा, ठीक है, परसों से सर लेंगे, ठीक है। तो वी हैव, चलो तो जितना सुन सकते हो उतना अभी सुन लोगे आप, ठीक है। तो मैं 8:30 वाला जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा ना उसमें मैं मैक्सिमम इन वाला पार्ट आप पे वापस से बोलूंगा कि आप सुन लेना बीच में, ठीक है, और फिर देखते हैं आप कितना सुन पाते हो, ठीक है। ओके हाँ, अभी अपन मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में अपना पोजीशन क्या है भाई, मैं तो बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्री का होमवर्क दिया था, वो 3.4 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है ना, वो आप समझा बेहतर यार सर। और आपने वो मैथ्स के ग्रुप में भी आपने एक मिनट भाई। अच्छा, इस वीक का पहला मैथ्स क्लास तो खराब हो गया था। अच्छा, तो मुझे आपका नोट्स देखना पड़ेगा ना, लास्ट क्लास मैथ्स में क्या कराया था सर, वो आपने ग्राफ के साथ बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हाँ हाँ हाँ, नोट्स दिख गया मुझे, नोट्स दिख गया। वी वर डीलिंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना। मैंने लास्ट में वो तो कुछ तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का ग्राफ बना के छोड़ दिया है, वो क्यों छोड़ा है मैंने? किसका डाउट था शायद। अच्छा चलो ठीक है, सो वी हैव अ बेसिक आइडिया एट दिस मोमेंट कि मतलब साइन x इक्वल टू 1/10 अगर लिखते हैं उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दिस वी हैव अ नाउ बेसिक आइडिया, राइट, यस और नो? Yes sir. Hello guys. Yes sir. Sir. So graphically, अगर if I say बेटा कि cos x equal to 1/2 for how many x is this equation सेटिस्फाइड इन 0 से 4π, तो क्या मतलब होगा ग्राफिकली, इसका मतलब क्या है बताओ, ग्राफिकली क्या मतलब है इसका बताओ, 4π में कितने वैल्यूज cos x के 1/2 आएंगे। हाँ अच्छा, वो तो मैं एल्जेब्रिकली वाला, ग्राफिकली क्या मतलब है, ग्राफिकली क्या मतलब बताया था मैंने बताओ। अच्छा हाँ सर, थीटा है, बहुत अच्छा, है ना, ये 0 है और ये कितना है तुम्हारा 2π है और ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा 4π है, ठीक है। लेट से थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं ताकि ऐसा नहीं लगे आपको कि बस आप उधर ही बात कर रहे हो, -2π से 4π। तो हम लोग को और ग्राफ कौन सा बनाना पड़ेगा उस साइड पे। हाँ, तो नाउ व्हाट आर वी कंसर्न्ड विद, हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे जैसे बच्ची ने बोला वैसे y इक्वल टू हाफ का लाइन, लाइन बन जाएगा है ना। अब हम लोग को किस इंटरवल में देखना है, -2π से 4π का आपने यहाँ पर क्यों डाला है, मतलब बेटा अब बोलोगे तो राइट है। मैं माइनस कहाँ कट कर रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच, छह, इन सारे पॉइंट्स पे cos x की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, तो मुझे ये जो 6 पॉइंट्स आए हैं इन सबका x कॉर्ड बताने की कैपेसिटी है तुम्हारी, यस सर, बोलो इसका क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, मैं तो सारा एक्स कोऑर्डिनेट चाहूंगा ना तुमसे, ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, π/6 ना कि π/3, π/3 कमान यार, π/3 ना, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, 4
टू पाई माइनस पाई बाई थ्री ये कितना होगा टू पाई माइनस पाई बाई थ्री चमक रहा है क्या ये वाला पॉइंट क्या होगा निकालने आना चाहिए सब तो एक पॉइंट कितना होगा माइनस पाई बाई थ्री ये बताओ टू पाई प्लस पाई बाई थ्री क्या होगा ये टू पाई प्लस पाई बाई थ्री दिस विल बी व्हाट टू पाई प्लस पाई बाई थ्री चमक रहा है क्या ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो फोर पाई माइनस पाई बाई थ्री कुछ भी फील आ रही है यस सर ये वाला पॉइंट क्या होगा नहीं फील आ रही है दिख रहा है आपके रिस्पॉन्स से माइनस फाइव पाई बाई थ्री यहां तक क्लियर है क्या यस सर दिक्कत आ गई निकालने में ना वैल्यू है ना नहीं समझा क्या नहीं समझा ये पॉइंट निकाल लिए तुम ना पाई बाई थ्री सर कैसा है कैसे आया मतलब क्या होता है बे cos पाई बाई थ्री हाफ नहीं मालूम तुमको हाँ सर हाँ समझा x गुड पाई बाई थ्री नहीं मालूम है तुम मालूम है ना भाई है ना हाँ हाँ फिर cos टू पाई माइनस थीटा टू पाई माइनस x पे भी तो वन बाई थ्री होगा ना यार है ना हाँ cos 2 pi minus x कितना होता है cos x होता है ना यस सर सर कम ऑन यार यस हाँ सर समझा ये सोचना पड़ेगा तो खुद दिमाग लाना पड़ेगा सिमेट्री है ना यहां से पाई बाई थ्री आगे गए हो यहां से पाई बाई थ्री पीछे है और यहां से पाई बाई थ्री आगे है यहां से पाई बाई थ्री पीछे है ये सोचना पड़ेगा आपको कर लेंगे अभी कम ये तो बस समझाने के लिए करो ये तो टफ चीज है ये तो टफ चीज है इतना क्लियर है क्या आपको अच्छा जो ग्राफिकल मतलब उस लड़की ने बोला वो समझ में आया ना आपको अरे भाई साहब सबको क्लियर है क्या यस सर आगे बढ़े हाँ सर सो नाउ वी अभी देखो क्या हुआ अब इसे पिछला केस था तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए ना फिर तो पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री कैसे माइनस कैसे प्लस कर रहे हैं तो अपना एम क्या है ना एक जनरल सॉल्यूशन लिखने का क्या एम है अपना जनरल सॉल्यूशन लिखने का ठीक है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है दैट वी विल नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके यस और नो यस सर ठीक है तो I will write the formula as usual. Then I will prove the formula. Sin x is equals to sin theta. तो जो general चीज होती है system की वो होती है x is equals to n pi plus minus one की power n theta. एक मिनट हो जाए बहुत ज्यादा ही confused हो गया. तो यहां पर क्या होता है x is equals to एन पाई प्लस माइनस ए जनरल जैसे आप लोग एपी का लिखते हो ना जनरल टर्म नहीं लिखते हो क्या एपी का जनरल टर्म यस सर ए प्लस साइन माइनस ये फॉर्मूला है साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा पे ये लिखने का फॉर्मूला है ठीक है लोगों को कैसे हो रहा है पहले उसके पहले अपने कुछ चीजें लगेंगी ध्यान दीजिएगा अगर साइन एक्स जीरो है इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा एन पाई ये बात चमकती है yes. अरे भाई साइन एक्स जीरो है मतलब एक्स का वैल्यू एन पाई ये बात चमकती है क्या यस सर यस सर अगर कॉस एक्स जीरो है एक्स का वैल्यू क्या होगा एन बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ना क्या ये दोनों चीज ध्यान है आपको कॉस एक्स जीरो कब होता है बताओ भैया पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई दिख रहा है वो एपी बनता हुआ पाई बाई टू टू थ्री बोलो है ना यस सर और साइन एक्स जीरो कब होता है पाई टू पाई थ्री पाई माइनस टू पाई अरे हाँ या ना हाँ सर
क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये क्लियर है? यस सर। तो नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। देखो कैसे करते हैं, साइन एक्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो। नाउ दैट इंप्लाइज टू साइन, बोलो, एक्स माइनस थीटा बाय टू कॉस एक्स प्लस थीटा बाय टू, कॉस एक्स प्लस थीटा बाय टू इक्वल टू जीरो। नाउ दैट इंप्लाइज साइन एक्स माइनस थीटा, ये तो बताया था आपको इलेवेंथ के स्टार्ट में। यस सर। दो चीज जीरो होने का मतलब क्या होता है, या तो ये जीरो है या तो से कुछ एक जीरो होगा। नाउ दैट इंप्लाइज एक्स माइनस थीटा बाय टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थीटा बाय टू इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स जीरो होता है, मैंने बताया ना क्या होता है, एन पाई है ना, तो मैं लिख दिया इसको, इसको लिख दिया के पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां से क्या आ गया बताओ, एक्स प्लस थीटा बाई टू इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल के प्लस वन पाई, ऑड मल्टीपल। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2k पाई प्लस थीटा, या ये और ये कट गया, क्या आ गया बोलो, 2k प्लस 1 पाई माइनस थीटा। यहां तक क्लियर है? तो ये क्या लिखा है बताओ, ध्यान से, अब शांत हो जाओ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा। हेलो बॉस। यस सर। क्या लिखा है बोलो, x इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। यस। तो इस चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस वन की पावर एन थीटा। चेक करो तो देखो सही है क्या, जब एन का वैल्यू इवन होगा, जब एन का वैल्यू इवन होगा तो कौन सा बन जाएगा, जब एन का वैल्यू इवन होगा इस वाले फॉर्मूले में, एन का वैल्यू इवन डालोगे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और जब एन का वैल्यू ऑड होगा तो कौन सा आ जाएगा, दूसरा, ये वाला। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. तो मैंने एक ही फॉर्मूले से दोनों आंसर को रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये बात चमक रही है, क्या हुआ? Yes, sir. Hello guys. Yes, sir. We need to understand and answer these things. बताओ ना एक बार। कौन सा पार्ट बोलो ना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरा, तो x इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। तो मैंने x को क्या लिख दिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा। अब देखो ना, अगर मान लो तुम्हारा इस वाले में अगर x का, अगर n का वैल्यू ऑड है, अगर n का वैल्यू सॉरी इवन है, तो क्या हो जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस वन की पावर इवन, माइनस वन की पावर इवन हो जाएगा, माइनस वन की पावर इवन क्या होता है, वन हो जाता है ना, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, पहला वाला, अगर n का वैल्यू ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, दूसरा वाला, क्यों, अरे माइनस वन की पावर ऑड क्या होता है, माइनस वन। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। सर मैं स्टार्ट की इधर से गया था, बेटा सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, तो आपने क्या क्या पढ़ा? बस यही शुरू किया अभी, मैं क्या करूंगा, यही शुरू किया मैंने, यही पहला पेज है। पहला पेज तो बहुत सारा होता है, ये तुम्हारे काम का पहला पेज यही है, क्योंकि पहला पेज तो जो होता है हमेशा, तो पिछले लेक्चर से कंटिन्यू होता है ना, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं ना हमेशा। यहां तक क्लियर है क्या? तो जनरल सॉल्यूशन आ गया ना अपने पास, ये बात चमक रही है। हेलो सर, कॉपी करो, समझाते हैं, कॉपी करो जल्दी।
कॉपी कर लिए? यस सर। एक मिनट सर। हाँ सर, ओके। नहीं सर, नहीं भाई। हाँ सर। Nice. हो गया सर। हो गया? यस सर। देखो क्या मतलब था, मतलब समझते हैं वापस। देखो आपको फील आएगी, ठीक है, कि साइन एक्स इक्वल टू मान लो रूट थ्री बाय टू, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड जनरल, बोलो सॉल्यूशन। आप कैसे करते हैं, आप ये रूट थ्री बाय टू की जगह कोई भी एंगल डाल दो। रूट थ्री बाय टू का सबसे प्यारा एंगल कौन सा मन में आता है? साइन पाई बाय थ्री आता है। yes. तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n थीटा पाई बाई थ्री। ये बात चमकती है? तो जरा ये जो आंसर आया है इसको जरा रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए। रोस्टर फॉर्म पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को? पढ़ाया सर। तो डालो n का वैल्यू जीरो, क्या आ रहा है पाई बाई थ्री। डालो n का वैल्यू, n का वैल्यू डालो वन, क्या आ रहा है पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो टू पाई बाई थ्री। चमक रहा है? यस सर। अरे हेलो बॉस, डालो एन का वैल्यू, एन का वैल्यू डालो इवन, एन का वैल्यू डालो टू 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 डालो पाई प्लस पाई बाई थ्री, टू पाई प्लस पाई बाई थ्री कितना आएगा बोलो? फाइव नहीं सेवन पाई बाई थ्री। डालो एन का वैल्यू वन, डाल दिया थ्री, डालो थ्री, थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना आ रहा है? एट पाई बाई थ्री। डालो एन का वैल्यू फोर, डालो फोर पाई प्लस पाई बाई थ्री, थर्टीन पाई बाई थ्री। पैटर्न दिख रहा है? डालो एन का वैल्यू फाइव, पाई बाई थ्री है सिक्स नहीं, सॉरी। डालो एन का वैल्यू फाइव, फाइव पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना आ रहा है? एट पाई बाय थ्री। आपको पैटर्न दिखा क्या ऊपर और नीचे में? चलो बिना आप डाले बताओ तो, इस ऊपर में और वैल्यू क्या, पीछे की वैल्यू बताओ तो कितने का डिफरेंस है? छह पाई का ना? हाँ कितना आएगा बोलो? डाल दो n का वैल्यू माइनस टू, तो कितना आ रहा है? माइनस टू पाई। अरे माइनस फाइव पाई बाई थ्री आएगा ना, देखो ना छह पाई का डिफरेंस है ना, छह पाई छह पाई। चमक रहा है? यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस इलेवन, चमक रहा है क्या? माइनस इलेवन पाई बाई थ्री। नीचे वाले बताओ, ठीक है ना, यहाँ पर भी
तुमको लॉजिक समझ में आया? यस आया। कि दो अलग अलग जैसे अपन एमए में करते हैं ना अपन दो अलग अलग सीरीज टाइप्स, वैसा ही चल रहा है ना बिहेवियर तो चमका। यस सर। अरे क्लियर है क्या? अब देखो कैसा है कि तुम कहोगे सर जनरल स्वास्थ्य में क्या फायदा है। अब फायदा ये है अगर मैं हाथ से करने जाता तो भाई कब तक कर पाता मैं जोड़ जोड़ के, दिक्कत आती ना। ऐसे मान लो ग्राफ बनाए करते हम लोग, ग्राफ से नंबर ऑफ श्वसन बताना आसान है बट ऐसे लिखते रहेंगे तो डिफिकल्टी आएगी कि नहीं आएगी बताओ सोच के जरा। आएगी सर डिफिकल्टी। हाँ सर आएगी। जैसे ये वाला लिखे हम लोग, इसको मान लिख दिए पाई बाई थ्री लिख दिए, फिर इसको आप लिख दोगे माइनस करे कितना पाई माइनस पाई बाई थ्री, कितना लिखोगे टू पाई बाई थ्री है ना। Yes. फिर इसमें क्या लिखोगे आप टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, चमक रहा है ना पाई बाई थ्री। ये वही सीरीज चल रही है ना यार, दिख रहा है? Yes, sir. ये जो सीरीज चल रही है ये लाल रेड वाली सीरीज व्हाइट वाली सीरीज है अपने अलग से है ना। ये सारे नंबर्स कैसे हैं देखो, जीरो के आगे है, ये टू पाई के आगे है, चमक रहा है। और ये सब कैसे है ऑड मल्टीपल से पीछे है ना, यहाँ पर है, फिर अगला लाल वाला कहाँ पे सीरीज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। बताओ क्या आएगा वैल्यू ये पाई बाई थ्री, चमक चमका। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या, थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री ना, क्लियर है? यस सर। तो ये कोई आसान काम थोड़ा था बार बार लिखते रहना, तो ज्यादा आसान क्या रहता है जनरल सॉल्यूशन के थ्रू। जनरल आपको समझ में, जनरल सॉल्यूशन कुछ नया चीज नहीं है। जनरल सॉल्यूशन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। ये क्या फॉर्म है बताओ, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है ना, और ये क्या है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अब इसमें एक डाउट आपको और आएगा, सर आपने साइन पाई बाई थ्री ही क्यों लिया, हम साइन टू पाई बाई थ्री लें तो क्या होगा, आंसर अलग आ जाएगा। हम साइन सेवन पाई बाई थ्री लें तो अलग आ जाएगा, सेम ही आएगा। बोलो सेम ही। देखो मैं लिखता हूँ, देखो अभी अपन चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे नोट फॉर रूट थ्री बाई टू इफ यू टेक साइन टू पाई बाई थ्री या कुछ भी ले लो साइन सेवन पाई बाई थ्री वॉट एवर सेट बिल्डर फॉर्म माइट लुक क्या अलग देखने में अलग लगेगा ना, क्योंकि यहां पे जो आपका पाई बाई थ्री आया है वहां पर क्या आ जाएगा टू पाई बाई थ्री, बट क्या चीज सेम रहेगी बट वैल्यूज। हाँ, बट इफ यू एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म, बट इफ यू एक्सप्रेस इन रोस्टर फॉर्म यूजिंग सेट बिल्डर द रोस्टर फॉर्म विल बी सेम। ये बात चमकी क्या, ये नोट वाला पॉइंट? यस सर। कॉपी करो सर, तो हम पाई बाय बाय थ्री भी ले सकते हैं ना मत? हाँ, फाइव पाई बाय थ्री कैसे ले सकते हो, फाइव पाई बाय साइन फाइव पाई बाय थ्री रूट थ्री बाय टू होता है क्या? अच्छा उसको देख के। अच्छा सर, मुझे लगा ऐसा कौन सी भी वैल्यू ले सकते अबे ओए अबे, कम से कम ये दोनों तो बराबर करेगा रे, है ना? हाँ सर समझ गया। कॉपी करो सर, एन का वैल्यू दिया रहेगा ना कि ये डालना है 1 से लेके 3 तक? ना ना ना, वो तुमको डाल के चेक करना पड़ता है एग्जाम में, तो जनरल सॉल्यूशन दे खत्म हो गया। हाँ ओके सर ठीक है।
फिर कॉस और टैन के लिए भी यही होगा ना या अलग अलग होगा? अभी ड्राइव करेंगे बेटा। ओके सर। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक पार्ट है बोर्ड का पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट है जेई का पार्ट, और दोनों पार्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पहले बोर्ड का पार्ट है वो फॉर्मूला याद करना, बोर्ड का पार्ट है जेई में, उस फॉर्मूले से हम रोस्टर फॉर्म में जेई मेनली काम करती है, ठीक है। तो कॉस एक्स आप लोग कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट छूटा ही रह गया ना अभी तक, तो है ना? हाँ सर। नहीं क्या होता है, क्या हो जाना है उसको, आना है उसको, क्यों बोलो करो कॉस। क्या होता है बताओ? साइन नहीं आएगा ना कॉस में? क्या हुआ? साइन एक्स एक्स प्लस थीटा बाय टू। हाँ ठीक, हाँ ठीक। क्या हुआ, क्या बोला? ड्रिल करने में दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या होता है? साइन एक्स माइनस थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये भी तो के पाई ना, है ना? हाँ मतलब सेम ही चीज है, के पाई पी पाई कुछ भी लिख दो, क्या अंतर पड़ता है, पी पाई लिख दो, ठीक है। हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ, टू के पाई प्लस थीटा, और x का वैल्यू क्या हो गया, k पाई माइनस थीटा, 2p पाई माइनस, है ना? तो आप देखो ना, जो भी x का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल प्लस थीटा, इवन मल्टीपल माइनस थीटा। फाइनली हमारे पास x का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ये बात चमकी? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, क्लियर है। हाँ सर। अच्छा पक्का क्लियर है ना? यस सर। सर के और पी को एन लिया। हाँ मतलब एक जगह के पी क्या ही अंतर पड़ता है, सब तो इंटीजर ही है ना। ये पहले वाले में क्या दिखा अपन को, पहले अपन को क्या दिखा कि यार इवन पाई प्लस थीटा है, दूसरे में क्या दिखा यार भाई ये तो इवन पाई माइनस थीटा है, बस खेल गए, ठीक है। अच्छा अभी पिछले वाले ठीक है, पहले इसको कॉपी करोगे ना?
पिछले वाले पेज पे मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में आज, जहां पे एंगल लिखने में दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, क्या क्वेश्चन था वो याद है क्या? cos x इक्वल टू क्या था? 1/2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ इसको? आपको हाफ को जो लिखना है लिख दो आपकी इच्छा। cos पाई बाई पाई बाई पाई बाई थ्री भाई पाई बाई फोर बोल रहा है कोई, पाई बाई फोर बोल रहे हो कोई, कुछ बोल रहे हो तो क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? 2n π + -π/3 चमका सर है ना। अब जरा इसका रोस्टर फॉर्म लिखा जाए थोड़ी मेहनत करके और रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। बोलो डालो n को जीरो क्या आया? पाई बाई थ्री प्लस माइनस पाई बाई थ्री। डालो n को पाई, n को वन डालो तो 2π + π/3 7π/3 हाँ। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू डाला? 6 n को डाला 1 1 1 ओके ओके 1 डाला था 2 है ना? 2 है ना? नहीं पहले n को डाला 0 फिर डाला n को 1 1 1 हां हां सॉरी सॉरी सर वो 2 डालो n और हां डालो n को 2 डालो तो 13π/3 तो क्या आएगा 4π + π/3 तो 13π/3 और 4π - π/3 अभी देखो जो पिछले पेज पे हम लिखे थे जो हम पिछले पेज पे लिखे थे जो इतनी लिखने में दिक्कत आ रही थी वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो तो जरा हो रहा होगा ना। देखो यहाँ भी यहाँ पर भी एपी है क्या? 6-6 का डिफरेंस है ना, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा बताओ? -5π/3 इसके पीछे क्या आ जाएगा बताओ? -7π/3 ये बात चमक रही है? यस सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर कॉपी कर लिए? यस सर कॉपी। थर्ड वाला होता है टेन वाला, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है बेटा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा। ठीक है सॉल्व करें। देखो tan x को लिखा sin x by cos x लिख सकते हैं और tan थीटा को लिखा sin थीटा by cos थीटा तो क्या आ जाएगा बताओ? sin cos थीटा minus sin थीटा cos x equal to 0 तो sin ऊपर में क्या फॉर्मूला बन गया? साइन एक्स माइनस थीटा इक्वल टू जीरो है ना, तो क्या बन गया बोलो? एक्स माइनस थीटा इज इक्वल टू
एन पाई, तो जीरो नहीं भाई, बार बार सेम स्टेट, एन पाई प्लस थीटा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा सभी को? यस सर। Yes sir. Yes sir done. कॉपी कर लिए? Yes sir. Yes sir. अब इस चैप्टर में, ये चैप्टर है ना, इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ना, इसमें जो मेन एम रहता है ना, जो सम्स रहते हैं ना, सम्स, यहाँ सम्स मतलब क्वेश्चन नहीं, सम्स मतलब एडिशन वाला सम, ठीक है? सम्स कैसे लिखूं, एडिशंस, एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, इन सबको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के किसमें चेंज करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स में, और फिर हर प्रोडक्ट को अलग अलग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू जीरो, नहीं समझे? हाँ सर, एग्जाम्पल देते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? मैंने पहला क्वेश्चन दिया साइन 5x प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले क्या करोगे इसको, आप प्रोडक्ट में चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा बोलो? 2 sin 3x, हाँ, cos 2x, cos 2x इक्वल टू जीरो। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, साइन 3x जीरो या तो cos 2x जीरो। हाँ, तो साइन 3x जीरो मतलब क्या होता है, 3x इज इक्वल टू बोलो एन पाई, यस सर, प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू जीरो, है ना? और कॉस 2x जीरो मतलब, अब जीरो को फालतू में कर, हाँ सीधा लिखो ना, 2x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई बाई 2, चमक रहा है बेटा? तो आपका यहां से x का वैल्यू क्या आ गया बोलिए, एन पाई बाई 3, और यहां से क्या आ गया x का वैल्यू बोलो, हेलो, तो फाइनली आप x को आंसर क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर यूनियन बोलो 2k प्लस 1 पाई बाई 4, k बिलोंग्स टू इंटीजर, चमका गया क्या करना है? तो जो भी एडिशन था तुमने उसको किसमें चेंज कर दिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ये बात चमकती है? यस सर। कॉपी करो इस क्वेश्चन को,
सर बोलो सर, कॉस एक्स 2k plus 1 into theta है, तो सर हमने जो प्रूफ किया था cos x के लिए x is equal to 2n pi plus minus theta वो क्या है? नहीं नहीं थीटा नहीं है भाई, वो तो ये तो वही तो जनरल सॉल्यूशन है, इसको ऐसे लिख दिया, चाहो तो वैसे लिख लो, अंतर नहीं पड़ता, वो सेम ही चीज हो जाती तुम चाहे लिखते, तो अगर वैसे लिखते तो वो भी वो तो ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता 2m pi plus minus pi by 2 लिखना पड़ता है ना, तो सेम ही चीज बन गया ना, देखो अच्छा वो सेम ही चीज बन गया ना बेटा, है ना, दो बार भी जाती है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर कॉपी करो, कॉपी कर लिए? क्या सॉल्व करेंगे बताओ, क्या है माइनस तो प्लस है माइनस, क्या है वो माइंड जनरल सॉल्यूशन? हाँ कैसे करेंगे बताओ, पहले इसको पहले स्टेप में साइन x इज इक्वल्स टू ए 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 a minus, क्लियर है क्या? हाँ 2a चार 2 समझे दोस्त? यस सर यस हां x इक्वल्स टू साइन समझे, ये माइनस हाफ कितना, माइनस हाफ के लिए कोई एंगल यूज कर लो, जो एंगल चाहते हो, कौन सा एंगल दिख रहा है माइनस हाफ के लिए, साइनस को टू माइनस हाफ, कौन सा एंगल दिख रहा है बताओ? माइनस 60 7 पाई बाय 6 कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने 7 पाई बाय 6 बोला वो भी सही है, किसी ने पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 7 पाई बाय, हां किसी ने माइनस 30 बोला वो भी सही है। अभी ये लिख दिया एंगल, अभी क्या जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, x = n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n * बोलो बेटा 7 पाई बाय 6, क्लियर है क्या? यस सर। और इधर वाला पाई बाय 2 कौन सा साइन पाई बाय 2 यूज कर लो, क्या हो जाएगा बोलो, x = टू m पाई प्लस माइनस 1 टू पावर n पाई बाय 2। हां चमक रहा है, क्या कर रहे हैं? हां सर। अरे हेलो दोस्तों, क्लियर है? यस सर। सर तो 3.4 में नहीं है, पर इस करूं तुम्हें Yes, sir, done. Yes, sir.
कॉपी कर लिए? यस सर। कैसे करेंगे बताओ? आपको एम क्लियर है क्या करना है? सम को प्रोडक्ट में लेके आना है, मतलब आपको सिस्टम को ऐसे प्रोडक्ट्स में चेंज करना है ना? कैसे करोगे बताओ? अब तक हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में सीख रहे थे कि किसी भी ऑर्डर में करो अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ पे अंतर पड़ जाता है बिकॉज कॉमन निकालना होता है ना। यस सर। तो पहला प्लस दूसरा क्या बनाएगा? 2 sin 2x cos x हाँ 4x और दूसरा बनाएगा 2 sin क्यों ऐसा है ना? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ ये cos बाहर ले लिए तो क्या लिखा है बोलो? 2 cos x + 1 = 0 तो क्या हो गया क्वेश्चन बोलो? sin 2x = 0 हाँ और 2 cos x + 1 = 0 ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 2x = nπ और यहाँ पे cos x = -1/2। माइनस हाफ के लिए कोई एंगल मालूम है? cos 2π/3। चमक रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ से x क्या आ गया? 2mπ + -π/2π/3। ये लास्ट स्टेप बहुत टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। जो टफ होता है ना वो ऊपर वाला स्टेप है, ये स्टेप टफ होता है, सम टू प्रोडक्ट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो एनसीईआरटी का आप क्या कर लेंगे? 3.4 और एनसीईआरटी का मिसलेनियस कर लीजिए, ठीक है? तो वो तो आपने पहले ही बता दिया था एजेंट सर। हाँ कर लो, पूरा कर लो एक बार। मतलब मैं इस संडे को क्या चाह रहा हूँ ना कि चैप्टर 1 से लेके 6 तक ना डिस्कस कर ले, मतलब तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर फंस रहा है बस, ठीक है? तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी। सैटरडे को तुम लोग से पूछूंगा और सुबह स्कूल नहीं होगा तुम लोग का, तो सैटरडे को मैं कॉम्प्लेक्स खत्म करूंगा। सिंपल चैप्टर है, ताकि एक बार आपका स्कूल का लोड खत्म हो गया ना, मान लो स्कूल का आपका, अगर आप एनसीईआरटी से फॉलो करोगे तो आपका बहुत चैप्टर हो गया ना, 6-7 चैप्टर हो गए ना ऑलमोस्ट। तो क्या होगा स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो फिर वो दिक्कत नहीं आती, फिर डर नहीं लगता है स्कूल के एग्जाम में, तो फिर क्या होता है आप यहाँ पे कंसंट्रेट कर पाते हो, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। फर्स्ट स्टेप नहीं समझा? बोलो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? sin C + sin D नहीं आता है अभी भी? हाँ सर याद है, अभी तक याद ही आ रहा है बेटा। इतने क्वेश्चन भी दिए ट्रिग्नोमेट्री के ग्रुप पे करने को, दिए है ना, फिर करना चाहिए ना। हाँ सर दिया है। चलो ठीक है, कॉपी कर लो और अभी लेक्चर सुन लो दूसरा वाला, ठीक है सर? फिजिक्स लेक्चर। हाँ दूसरा वाला लेक्चर जो है ना फिजिक्स वाला, वो सुन लो, ताकि मैं जो 7:30 से क्लास लूंगा आप लोगों का उसमें फिर उसमें समझा पाऊंगा और उसको अच्छे से। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। उसमें मैक्सिमा मिनिमा वाले पार्ट पे सीधे पहुंच जाना, शुरू का आधा घंटा उस पे होगा डेरिवेटिव पे, उसके बाद सीधा मैक्सिमा मिनिमा वाले पार्ट पे पहुंच जाना उसमें, ठीक है? उसको सुनो तो सर नेक्स्ट लेक्चर में वही होना है। हाँ ओके सर।